ये जो थप्पड़ तूने सेठ शहबाज और उस जैसे गीदड़ों के चेहरों पर रसीद किया है ना, इसकी गूंज इनको अब बहुत अरसे तक सुनाई देगी। तूने अपनी धाक बिठा दी है छोटे साहब, अब ये तेरी राख खोटी नहीं करेंगे। ये छोटे साहब ना का साहब तो तू बन गया मेरा। चल अब चलता हूं, अड्डे पर बहुत काम अधूरे छोड़ा है। आते जाते रहना, तुम्हारे बगैर मैं खुद को बड़ा तन्हा महसूस करता हूं। मैं तेरे आसपास हूं, बस एक आवाज लगाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तूने सेठ शहबाज को इतने सस्ते में क्यों छोड़ दिया, जबकि हमने उसका लड़का उठा भी लिया। काम उतार देते पूरा। मुझे अगर मारना होता तो मैं सेठ शहबाज को ही मारता, उसके बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। फिर तुम्हारी ही कही हुई बात ने मुझे ये रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर किया। कौन सी बात? तुमने ही कहा था ना, हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए डरते। बस अकबर के बच जाने के बाद मैं शहबाज को सिर्फ डराना चाहता था। गुड़ की बात भी यही है, हमारा धंधा सिर्फ खौफ की बुनियाद पर चलता है। कभी कभी दुश्मन को मार देने से वो खौफ नहीं फैलता, जो दहशत उसको मारते मारते जिंदा छोड़ देने से फैलती है। जियो मेरे छोटे साहब। अरे अभी इश्क के इम्तिहान बाकी हैं, टेंशन नहीं लेना।